सर देखिए 10 बकरी से स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, आप जीरो मेंटेनेंस पे बकरियां संभाल सकते हैं। सारे लोग पूछते हैं कि भाई इसको लेगा कौन, 1500 रुपए से इसका गोश्त कौन लेगा? तो सर फ्यूचर देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि 25 साल तक ये बिजनेस बिल्कुल रुकने वाला नहीं है। तो 15 बच्चे के अगर आप 30,000 से भी अगर आप पेमेंट पकड़ देते हैं तो 4.5 लाख रुपए। नमस्कार दोस्तों, कौन सी बकरी पाल के आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं? तो दोस्तों आज हम यही बात करने वाले हैं। आज हम हैं महाकाली गोट फार्म पे, हमारे साथ यहाँ पे तेजस लेंगरे सर है। नमस्कार सर। नमस्ते। तो सर का जो है 10-15 सालों का काफ़ी सारा बड़ा एक्सपीरियंस है। इनके पास 450-450 अफ्रीकन गोट है यहाँ पे और बहुत बड़ा फार्म है यहाँ पे, और इनका जो अनुभव है गोट के बारे में काफ़ी आज हम यहाँ पे लेने वाले हैं कि हम किसान भाइयों को स्टार्टिंग करते समय एक्चुअली कौन सी गोट एग्जैक्ट हमको पालना चाहिए तो उससे हम अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं, वही डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक हमें ये वीडियो जो है शेयर करना है। तो सर सबसे पहले तो हमें ये बात बताइए कि हमारे भारत देश में जो है ये बकरियाँ बहुत टाइप की है और मेरे हिसाब से कमर्शियल बहुत कम ही पाली जाती है, तो आप थोड़ा सा हमें ये बताइए कि भारत में कौन कौन सी बकरियाँ जो है कमर्शियली पाली जाती है और कौन सी बेस्ट है? देखिए सर, अभी हज़ारों प्रजातियाँ हैं भारत में, अगर आप देखेंगे तो हज़ारों प्रजातियों की तादाद भारत में मौजूद है। अगर उनमें से आप बेस्ट कहते हैं तो सबसे बेस्ट बकरी अफ्रीकन बोर गोट है, जो कि आपको कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमा के दे सकती है। अच्छा। तो अभी आप बोलेंगे कि अफ्रीकन बोर ही क्यों, तो सर देखिए इसका जो शुरू में इसका जो बकरे थे वो 3.5 महीने के बकरे 20 kg वेट क्रॉस करके चले जाते थे आगे। ओके। तो 1500 रुपए से पर केजी से बेचते थे हम वही बकरे। आज सर थोड़ा चेंज हो गए हैं, आज इम्पोर्ट के मेल आ गए हैं इंडिया में, तो हमारे पास भी आज इम्पोर्ट का मेल है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो सर वो इम्पोर्ट के मेल से अगर हम बकरे क्रॉस कर देते हैं तो सर वही जो 3.5 महीने में हमको 20 kg प्लस मिल रहा था, वही अभी 2.5-3 महीने में 20 kg प्लस मिल रहा है। तो यहाँ भी जो ज़्यादा संभालने का जो टेंशन है वो यहाँ पर रुक जाता है। दूसरी बात है सर कि 1500 रुपये पर केजी से मैं फीमेल बेचता हूँ और मेल जो है 1000 रुपये पर केजी से बेचता हूँ। अगर 2.5-3 महीने में मुझे फीमेल के 30,000 मिल रहे हैं और मेल के 20,000 मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है सर। अगर मैं एक जोड़ा भी अगर किसी को बेचता हूँ तो सर वो 50,000 में एक जोड़े का पेमेंट आ जाता है। दूसरी बात है सर कि अगर किसी को पूरे इंडिया के अंदर अगर एक बच्चा भी चाहिए तो ट्रेन के जरिए ट्रेन का सहारा लेके मैं पूरे इंडिया में वो बकरे बेच सकता हूँ सर। एक और चीज़ सर हमें ये बताए कि सिरोही है, सोजत है, बरबरी है, बिट्टल है, हमारे भारत देश में काफ़ी राज्यों में जो इसको भी पसंद किया जाता है, लेकिन आपके लिहाज से ये अफ्रीकन बोर गोट ही नस्ल क्यों आपको बेस्ट लगती है? सर देखिए, सबसे पहले कि बोर जो है इंडिया में पूरी हर जगह है नहीं, महाराष्ट्र में आपको कहीं कहीं मिल जाएगी और इतने बड़े तादाद में किसी के पास है नहीं। दूसरी बात ये कि अभी महाराष्ट्र छोड़ के पूरे जो हमारे यहाँ पे जो राज्य है जैसे कि आंध्र है, केरल है, या फिर यूपी है, बिहार है, दिल्ली है, यानी कि महाराष्ट्र छोड़ के जो जितने भी अभी स्टेट बाकी है उन स्टेट में ये बकरियाँ है नहीं। तो अभी ये बकरियाँ पूरे इंडिया में होने के लिए कम से कम 20 या 25 साल लग जाएंगे। तो 20-25 साल अगर कोई आपको अच्छा बिजनेस मिलता है तो आप दूसरे बकरे में क्यों जाना चाहते हैं, या फिर कोई जाने में वहाँ जाने में कोई पॉइंट ही नहीं है। अभी कुछ लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि तेजस भाई इसको लेके बेचे कहाँ? भाई आप अपना गुडविल बनाइए, अगर आप अपना गुडविल बना देते हैं और फिर अगर आप एक लेंथ पे पहुंच जाते हैं और फिर अगर आपके पास कस्टमर आना शुरू हो जाता है तो, या फिर अभी हर किसी को चाहिए अफ्रीकन बोर गोट्स, हर किसी को चाहिए अफ्रीकन बोर गोट्स, पर आपके पास लोगों को दिखाना चाहिए कि भाई ये अपने पास है ये चीज़, और आपके पास क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वालिटी मेंटेन कर देते हैं और बकरियां आप अच्छे तौर से संभालते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी रखती है, तो सर बेचने में कोई दिक्कत है नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए तेजस सर का एक कहना है, अगर आप कमर्शियल कोई गोट फार्म मतलब एक बकरी स्पेशली लेके आप गोट फार्म करना चाहते हैं तो अफ्रीकन बोर गोट कर सकते हैं, इनका कहना है अच्छा खासा कम टाइम में पैसा कमा के ये दे सकती है। तो दोस्तों इनसे हम पूछते हैं सर एक चीज़ है कि ये नस्ल को पहचाना कैसे जाता है कि यही अफ्रीकन बोर गोट है?
देखिए सर, अभी ब्राउन उसकी मुंडी होती है, फाइट उसका पीछे होता है, उसका जो कद होना है वो छोटा होना चाहिए, उसकी हाइट में बकरी छोटी होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए, और पैरों में पैरों की उसकी जो साइज़ है वो बढ़िया लेवल पे होनी चाहिए बस। और आप क्वालिटी देखिए, जिनके पास क्वालिटी है वहाँ से आप माल ले लीजिए। जैसे कि आप अपने मेरा मेल देखा जो इम्पोर्ट मंगाया है, अभी सर अगर आप बाहर कहीं जाते हैं तो लोग बोल रहे हैं कि यही स्टड ब्लड लाइन यानी कि इम्पोर्ट मेल और इंडियन फीमेल अगर आप ले लेते हैं तो यही सर लोग संतोष सर यही लोग बोल रहे हैं कि वो जो बकरा है वो 70,000 में बिक रहा है, जो फीमेल है वो 1,20,000 में बिक रही है। तो यही फीमेल और यही मेल मैं आपको मेल दे रहा हूँ 20,000 में, फीमेल दे रहा हूँ 30,000 में, तो 1,20,000 से अगर 30,000 निकल देते सर तो 90,000 आप किसी को फोकट में दे रहे हैं। नस्ल तो हमने समझ लिया यहाँ पे इसको कैसे पहचानना है, लेकिन हमारा कोई बंदा है अगर ये स्टार्ट करना चाहता है तो अफ्रीकन बोर्ड गुड से, तो ये कितने बकरियाँ से स्टार्ट करें स्टार्टिंग में? सर देखिए 10 बकरी से स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर 10 बकरी आप ले लेते हैं तो 3 से 3.5 लाख रुपये आपको खर्चा आएगा। अगर आप उसको जब आपके पास प्रोडक्शन उसका आता है तो अगर 10 बकरियों में आप अगर 15 आपके पास बच्चे आ जाते हैं तो अगर 15 बच्चे भी आपके पास आ जाएंगे सर तो 15 बच्चे के अगर आप 30,000 से भी अगर आप पेमेंट पकड़ देते हैं तो 4.5 लाख रुपए कम से कम आपको मिल जाएंगे, और अगर 1 लाख मोटा मोटी भी खर्चा आप पकड़ते हैं तो 3-3.5 लाख रुपये आपको इसमें बच जाएगा पूरा। मतलब ये जैसे कि हमने 10 बकरियां लिए तो सालाना 3-3.5 लाख उसके ऊपर हम तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल। और जब हमारा किसान भाई शुरुआत कर रहा है 10 बकरियों से शुरुआत की, तो उसको क्या क्या खास ध्यान देना पड़ेगा ये भी थोड़ा सा बताइए। जब आप बता ही रहे कमर्शियल ये बेस्ट है, तो क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा उसको पालते समय? देखिए सर, अभी लोग जो सपोर्टिव खुराक दे रहे हैं बकरियों को, जैसे कि मक्का दे रहे हैं, गोली पेंट दे रहे हैं, या फिर हरबरा दे रहे हैं, या फिर चने का ये कणी दे रहे हैं सर, बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, मूंगफली का पेंट दे रहे हैं, बहुत सारे बकरियों में जो सपोर्टिव खुराक है वो यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। अगर आपको कम खुराक देना है तो मेरी पूरी वीडियो आप ये देखिए, इसमें आपको जीरो मेंटेनेंस आप बकरियां संभाल सकते हैं। इसमें सर आपको रिजका घास देना है या आपको दशरथ घास देना है या फिर आपको तूती देना है और आपको जो वंडर के सुबाबुल है वो भी आपको आप बकरियों को दे सकते हैं, और एक शेवरी। अगर एक 4-5 चारे आप अपने खेत में लगाते हैं तो सर जेब से पैसा नहीं निकालना पड़ेगा, आप जीरो मेंटेनेंस पे बकरियां संभाल सकते हैं। तो सर हमने देखा कि मतलब कमर्शियल इसको क्यों करना चाहिए, नस्ल देखा, चारा का देखा, लेकिन इस बकरी से जो है कमाई का जरिया कैसे करना चाहिए? बकरी कटिंग के लिए हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि प्रोडक्शन के लिए, क्या चीज़ का थोड़ा सा बताइए इसका? बिल्कुल नहीं सर, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि ये कटिंग के लिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई इसको लेगा कौन, 1500 रुपये से इसका गोश्त कौन लेगा, तो बहुत बढ़िया सवाल आपने किया संतोष सर। देखिए इसका कटिंग के लिए कोई ये चीज़ मायने ही नहीं रखती है, अगर आप इसको प्रोडक्शन के लिए आपको 1500 रुपये से लोग पेमेंट दे रहे तो आपको कटिंग को इसको 600 रुपये में या फिर 500 रुपये में बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये सिलसिला अगले 25 साल तक चलेगा, ये दावा है मेरा। क्योंकि अभी देखिए आप सोचिए, महाराष्ट्र में कुछ जगह आपको अफ्रीकन बोर गोट्स मिलेगी, या महाराष्ट्र छोड़ के आपको और कहीं ज़्यादा बड़े तादाद पे ये बकरियाँ हैं नहीं, तो जो महाराष्ट्र छोड़ के पूरा इंडिया है, जैसे कि नेपाल के कस्टमर हमारे पास आते हैं, बांग्लादेश के कस्टमर हमारे पास आते हैं, पूरे इंडिया और देश के बाहर से भी लोग हमारे पास आ रहे हैं। जैसे कि अगर आप इंडिया में हैं, इंडिया के, लेकिन आप कहीं दुबई में सर्विस कर रहे हैं या फिर यूरोप में सर्विस कर रहे हैं, अमेरिका में सर्विस कर रहे हैं, तो आप रिटायरमेंट पे आ गए तो आप कुछ करना चाहते हैं तो आप भी यहाँ से लेके बकरियाँ आपका बिजनेस दूसरे स्टेट में स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब आपका कहना ये है कि मतलब ऐसे ही चेन बाय चेन बढ़ता जा रहा है ये इसका, फिर उसके बाद कटिंग पे आएगा? ओके, कटिंग पे आएगा सर, उसके लिए आपको 25 साल तक अभी आएगा नहीं अफ्रीकन बोर गोट्स कटिंग के लिए, तो बिजनेस ये चालू रहेगा? बिल्कुल चालू रहेगा। एक बात ये भी है कि आने वाले 4-5 साल में मीट का रेट ही, गोश्त का रेट ही
कम से कम 1000 के ऊपर चला जाएगा। हाँ, तो 25 साल की छोड़ी अगर आप 1000 के ऊपर रेट जाता है और आप कटिंग के लिए भी बाद में बेचते हैं, हाँ, तो भी आपको 100 केजी का बकरा इसका सर एक साल में 100 साल डेढ़ साल के अंदर अंदर इसका बकरा 100 केजी के ऊपर जा रहे हैं, 1 लाख रुपए के ऊपर। वैसे तो वैसे भी आपको 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं आगे के टाइम में। हिसाब सही बताया आपने, मतलब कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कमाई का जरिया तो बहुत अच्छा है इस अफ्रीकन बोर गोट में। फ्यूचर थोड़ा बहुत बता दीजिए क्या रह सकता है अच्छा खासा। सर फ्यूचर देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि 25 साल तक ये बिज़नेस बिल्कुल रुकने वाला नहीं है, और आने वाले यही कोई 5-6 साल में ये जो मीट का रेट है वही आपको जाएगा 1000 के ऊपर। तो बहुत ही बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छी आज जानकारी हमें दी। तो दोस्तों आज हमें तेजस सर ने बताया कि कमर्शियल हम लोग कौन सी बकरी पालन करके अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी जो है डिटेल में जानकारी मिल गई होगी। अगर कुछ शंका हो मन में तो कमेंट आप मुझे ज़रूर कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक हमारे शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मिलते हैं एक और वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि पावर है तो पावर है। धन्यवाद।